वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनलैंड फिशरीज के अंदर पोंड एंड रिजर्वोयर फिशरीज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है लेक फिशरीज के बारे में। लास्ट की वीडियो में रिजर्वोयर एंड पोंड फिशरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इन अपकमिंग वीडियोज में कोल्ड वाटर फिशरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होते हैं ये पोंड्स एंड रिजर्वोयर फिशरीज। तो सबसे फर्स्ट पोंड फिशरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले पोंड क्या होगा? पोंड क्या होता है? एक स्मॉल मैन मेड वाटर बॉडी होती है जो कि फॉर्म बाय एम्बैंकिंग ऑफ और डिगिंग, ठीक है, ये खुदाई से बनती है। इन ए नेचुरल पोंड द वाटर इज सीजनल। अब जो नेचुरल बन जाते हैं पोंड, उनके अंदर क्या होता है, वाटर सीजनल होता है। जैसे कि बारिश का पानी उनके अंदर होता है, तो जब बारिश आएगी तभी उनके अंदर पानी होगा। पोंड्स जो है स्मॉल वाटर बॉडीज या फिर रिमेनेंट ऑफ लेक अर्लियर, ठीक है, कोई लेक होगी उसका कोई बचा हुआ भाग बच गया है, यहाँ पे रिमेनेंट बच गया है, उसको भी पोंड बोल सकते हैं। या तो स्मॉल शैलो वाटर बॉडीज विच डिड नॉट डिवेलप एज लेक, या फिर ऐसे छोटे पानी की वाटर ऐसे पानी की बॉडीज जो कि लेक के अंदर डिवेलप नहीं हुई है, या तो पोंड हो सकते हैं। दोज वाटर बॉडीज विच आर कंस्ट्रक्टेड और एक्सकैविटेड, या तो वो कंस्ट्रक्ट की है या फिर एक्सकैविट हो गई है, तो ये भी क्या हो सकते हैं, पोंड्स इन इन टाइप के हो सकते हैं। इसके अलावा पोंड्स पेरिनियल पोंड्स हो सकते हैं, टेम्पररी पोंड हो सकते हैं। पेरिनियल जिनके अंदर वाटर जो है हमेशा प्रेजेंट रहता है, एंड टेम्पररी इनके अंदर वाटर जो है सीजनली प्रेजेंट होता है। अब कौन कौन सी फिशेज होंगी जो कि कल्चर की जाती है फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के अंदर? तो पॉन्ड्स के अंदर जो फिश कल्चर की जाती है इनके अंदर आती है कटला यहाँ पे होती है, लेबियो रोहिता, लेबियो कालाबासु, लेबियो फिम्ब्रिएटस, लेबियो कोंटियस, इसके अलावा लेबियो गोनियस, सिरिनस मृगाला, सिरिनस रेबा, सिरिनस श्रीहोसा, ऑस्टियोचिलस थोमेसी, बार्बस करेंटिकस, इसके अलावा बार्बस ड्यूबियस होगी, सिप्रिनस स्कॉर्पियो। इसके अलावा यहाँ पे होती है टीनोफ्रेंजिगोडोन आइडीला, यूट्रोप्लस सुरेंटीना, एनाबोस टेस्टुडाइंस, वेलेगो अटू, मिस्टी सिंगाला, चना स्ट्रेटस, हेट्रोनिस्टिस फोसिलिस। तो ये सब फीसिस हैं जो कि कल्चर की जाती है फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के अंदर। इसके बाद पोंड्स के अंदर इतना ही था। इसके बाद पोंड्स के अंदर अलग अलग टाइप की फिशरी कल्चर की जाती है, वो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिजर्वोयर फिशरीज के बारे में। अब रिजर्वोयर क्या होते हैं? रिजर्वोयर ऐसे पानी, या फिर हम बोल सकते हैं रिजर्वोयर वर्ड जो है हम कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो रिजर्वोयर जो होते हैं एक तरह से आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल लेक टाइप के होते हैं, जहाँ पे पानी जो है वो स्टोर किया जाता है। तो इनको हम बोल सकते हैं, तो ये आर्टिफिशियल हो सकता है या तो ये नेचुरल हो सकता है। इसके अलावा जो डैम बनाए जाते हैं, डैम होता है वहाँ पे भी क्या होते हैं, रिजर्वोयर्स होते हैं। तो रिजर्वोयर फिशरीज की अगर हम बात करें, रिजर्वोयर्स बिग वाटर बॉडीज होते हैं जो कि ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम अक्रॉस द रिवर फॉर वाटर स्टोरेज फॉर पब्लिक सप्लाई। अब ये रिजर्वोयर बिग वाटर बॉडीज होते हैं जो कि डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से बनेंगे, या तो अब ये जो रिजर्वोयर है ये क्या काम आएंगे, वाटर स्टोरेज के काम आएंगे, पब्लिक सप्लाई के लिए, इरिगेशन के लिए, या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, या तो फ्लड कंट्रोल करना हो एंड फिशरीज की डिवेलपमेंट वहाँ पे करनी हो, तो इन सब के ये जो रिजर्वोयर बना है इन सब के वाटर काम आता है। अब रिजर्वोयर्स की अगर हम बात करें, हर एक जो अलग अलग टाइप की जो रिवर्स हमने बात की थी, तो उन रिवर्स के ऊपर जहाँ पे भी डैम बनते हैं, नेचुरल बनते हैं या तो वो आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, रिजर्वोयर्स बन जाते हैं। तो जैसे हमने रिवराइन सिस्टम की फिशरीज के बारे में डिस्कस किया था, ऐसे ही अलग अलग हम रिवर सिस्टम्स के रिजर्वोयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिजर्वोयर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे फर्स्ट रिजर्वोयर आता है गंगा रिवर सिस्टम का। डिफरेंट रिजर्वोयर्स है गंगा रिवर सिस्टम के, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल के अंदर।
इन द रिजर्वोयर्स ऑफ अपर रीजेस, एंड इन रिजर्वोयर्स के जो ऊपर वाले पार्ट है, अपर रीजेस है, यहाँ पे तीन स्पीसीज पाई जाती है मैसीर्स की, जैसे कि यहाँ पे पाई जाती है टोर पुटीटोरा, टोर मोसाल एंड टोर टोर। ये तीन स्पीसीज मैसीर्स की पाई जाती है, कटली की पाई जाती है, इसके अलावा यहाँ पे एक्रोसोचिलियस हेक्सागोनोलेप्सिस, इसके अलावा स्नो ट्राउट हो गया जैसे कि सीजोथोरेक्स, प्लेजियोस्टोमस, मीडियन कार्प्स यहाँ पे पाई जाती है, लेबियो की स्पीसीज पाई जाती है जैसे कि लेबियो डैरो एंड लेबियो पेंगेसिया, ये स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। तो ये अपर रीचेस की बात होगी ऊपर वाले पोर्शंस के अंदर। मिडिल एंड लोअर रीचेस जो है उनके अंदर हार्बर द इंडियन मेजर कार्प्स जैसे कटला, रोहू, मृगल, कालाबाजू, ये सब स्पीसीज पाई जाती हैं। इसके अलावा अदर कार्प्स जैसे कि लेबियोगोनियस, लेबियोबाटा, लेबियोबोगा, लेबियोबोगेट, पंक्टियस सराना, ये सब स्पीसीज पाई जाती है मिडल एंड लोअर रीचेस के अंदर। तो अपर रीचेस के अंदर पाई जाती है एंड मिडल एंड लोअर रीचेस के अंदर पाई जाती है। मेजर कैट फिशेज यहाँ पे पाई जाती हैं वेलेगो अटू, सिलोनिया, सिलोंडिया, पेंगेसियस, पेंगेसियस राइटा, राइटा मिस्टिस और मिस्टिस सिंगाला, ये सब स्पीसीज कैट फिश की पाई जाती है रिजर्वोयर ऑफ गंगा रिवर सिस्टम के अंदर। इसके अलावा सेकंड आता है रिजर्वोयर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम के रिजर्वोयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजर्वोयर इस सिस्टम का आता है गोविंद सागर। यहाँ पे पाई जाती है टोरपुटीटोरा, लेबियोडियो, डोमिनेंट स्पीसीज ये होती है। अदर स्पीसीज जो होती हैं वो होती है सीजोथोरेक्स, प्लेजियोस्टोमस, क्रोसोचेलिस, लेटियस लेटियस, गैरा गोटियला, मिस्टिस ब्लिकैरी, मेस्टो कैम्बेलस, आर्मेटस हो गई, सिप्रिनस कार्पियो, मिस्टिस सिंगाला एंड लेबियो बाटा, ये सब स्पीसीज अदर स्पीसीज पाई जाती है। डोमिनेंट स्पीसीज के अंदर टोर एंड लेबियोडियो स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद थर्ड रिवर सिस्टम आता है ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम। तो ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम के अंदर जो फिश फोना है, हीराकुंड डैम ऑन द महानदी इंक्लूड, जो महानदी है उसके ऊपर जो डैम बने हुए हैं जैसे कि हीराकुंड डैम हो गया, वहां पे गैंगेटिक कार्प्स आती है, कैट फिशेज जैसे कि टोर मोसला हो गई, लेबियो फिम्ब्रियटस, राइटा क्राइसिया, ये सब स्पीसीज पाई जाती है इस हीराकुंड डैम के पास जो रिजर्वोर बना हुआ है। कृष्णा रिवर सिस्टम के अंदर जो रिजर्वोर बने हुए हैं दैट इज तुकबंद्रा, नागार्जुन सागर एंड निजाम सागर, ये जो है इनके अंदर स्पीसीज पाई जाती है लेबियो फिम्ब्रियटस, लेबियो कालावासु, लेबियो पोर्सिलस, लेबियो बाटा, लेबियो बोगा, पंक्टियस कोलास, पंक्टियस पुलचेलास, इसके अलावा पंक्टियस कुरमुका, पंक्टियस सराना, टोर खुदरी, टोर मुसोला, सिरिनस रेबा, सिरिनस फ्लिंजर, ऑस्टियोब्रामा विगोस्ट्री, ऑस्टियोब्रामा बेलेंगेरी, वेलेगो अटू, मिस्टिस योर, मिस्टिस सिंगाला, मिस्टिस पंक्टेटस हो गई, राइटा पेवीमेंटेटा हो गई एंड बगैरिस बगैरिस, ये सब स्पीसीज पाई जाती है यहाँ पे कृष्णा रिवर सिस्टम के रिजर्वोयर्स के अंदर। एंड इसके अलावा यहाँ पे ताप्ती रिवर हो गई, इसके अंदर कृष्णा सागर, भवानी सागर, मेट्योर एंड बूंदी रिजर्वोयर्स होते हैं जहाँ पे डोमिनेंट फिश स्पीसीज पाई जाती है पंक्टियस ड्यूबियस, पंक्टियस कैरेनेटिकस, पंक्टियस सराना, सिरिनस क्यूरिटियोस, सिरिनस रेबा, लेबियो पोंटियस, लेबियो कालाबासु, लेबियो फिब्रियटस, लेबियो पोटेल, लेबियो पार्सिलस एंड इसके अलावा बगैरिस बगैरिस, वेलेगे अटू एंड मिस्टिस मिस्टस पंक्टेटम, ये सब स्पीसीज पाई जाती हैं ताप्ती रिवर के रिजर्वोयर्स के अंदर। तो ये ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम के अंदर जो अलग अलग टाइप की रिवर होती है वहाँ पे अलग अलग टाइप के रिजर्वोयर्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग स्पीसीज डोमिनेट करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम के रिजर्वोयर। तो यहाँ पे नर्मदा एंड ताप्ती रिवर सपोर्ट करती हैं टोर खुदरी, टोर मुसोला, लेबियो फिम्ब्रियटस, लेबियो कालाबासु, लेबियो गोनियस, लेबियो रोहिता, सिरिनस मृगाला, कटला, पंक्टियस सराना, मिस्टिस सिंघाला, मिस्टिस एओर, वेलेगा अटू, बगैरिस बगैरिस, क्लुपिसोमा गैरुआ, राइटा पेवीमेंटेट, पंक्टियस थोमेसी, पंक्टियस जेल्डोनी एंड पंक्टियस फिलामेंटोटस, पंक्टियस कुरमुका, ओमपोक मेलाबेरिकस, तो यही सब स्पीसीज पाई जाती है नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स के अंदर।
ठीक है। तो ये अलग अलग रिजर्वोयर्स के अंदर अलग अलग फिश स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। अब अगर हम इन रिजर्वोयर्स की बात करें, कई बार इन रिजर्वोयर्स के अंदर ऐसा होता है कि कुछ स्पीसीज जो यहाँ पे डोमिनेंट है एंड वो कम हो जाती है, तो इसकी वजह से वहाँ पे दूसरी स्पीसीज, जैसे कि अगर हम बात करें कुछ रिजर्वोयर्स की, जैसे कि रिहंद रिजर्वोयर है, तो उस रिजर्वोयर की, यूपी के अंदर उस रिजर्वोयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कटला एंड रोहू स्पीसीज पाई जाती है। तो कई बार क्या होता है, ये कटला एंड रोहू वहाँ पे क्या करती है, आपस में ब्रीड करती है एंड एक हाइब्रिड बना लेती है, कटला रोहू हाइब्रिड। ये हाइब्रिड जो बनी है रिहंद रिजर्वोयर यूपी के अंदर, तो इसके अंदर ये हाइब्रिड उस रिजर्वोयर के अंदर बहुत अच्छे से अडेप्टेड होती है एज कंपेयर टू अगर हम उनके ओरिजिनल उस हैबिटेट की बात करें उनसे, ठीक है। तो ये वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट होती है, कटला रोहू हाइब्रिड। तो इस टाइप से हाइब्रिड भी इनके अंदर बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है रिजर्वोयर फिशरीज एंड पोंड फिशरीज के बारे में, एंड लेक फिशरीज के बारे में, एंड रिवराइन फिशरीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा बच गया है इनलैंड फिशरीज के अंदर कोल्ड वाटर फिशरीज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोल्ड वाटर फिशरीज के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।